फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पीएससी सॉल्यूशन में। वीडियो शुरू करने से पहले सॉरी कि 2 दिन से वीडियो जो है वो नहीं आ रहा था, लेकिन आज से जो है वो लगातार वीडियो आते रहेगा। और आज से मैंने ज्योग्राफी का क्लास और साइंस का क्लास जो है वो स्टार्ट किया है। आप ही लोगों का डिमांड था कि ज्योग्राफी और साइंस का क्लास जो है वो स्टार्ट किया जाए। तो ऑलरेडी हमारा हिस्ट्री का और करंट अफेयर और बिहार जीके, ये 3 सीरीज जो है वो चल रहा था। इसके साथ साथ हमारा साइंस का और ज्योग्राफी का क्लास जो है वो आज से लगातार चलते रहेगा। और लगभग 50 से 55 दिन का समय जो है अभी से है हमारे पास 64वीं बीपीएससी के लिए। तो अब जो है आपको बिल्कुल समय जो है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जो है वो सिर्फ फोकस करना है बीपीएससी के ऊपर। ओके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज से भूगोल और साइंस का क्लास जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में मैंने जो प्रश्न सेलेक्ट किया है। और देखिए, जो भी प्रश्न सेलेक्ट किया गया है इस वीडियो में 20 प्रश्न सेलेक्ट किया गया है, लेकिन ये 20 प्रश्न जो है वो 100 प्रश्न के बराबर है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 20 प्रश्न देखें तो 20 प्रश्न के ही बराबर है। इसके साथ साथ पूरा एक्सप्लेन जो है वो किया गया है। ओके, तो अगर आपने पूरी डिटेल्स में किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो जरूरत नहीं है पढ़ने की, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु। शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, आप मुझसे बात करना चाहते हैं बीपीएससी से संबंधित, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी, तो आप मुझे यहाँ पे फेसबुक पे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फेसबुक का। ओके, देखिए पहला प्रश्न है आज का, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अब देखिए, प्रश्न जो है घुमा घुमा कर पूछा जाता है। अब यहाँ पे यह पूछा जा रहा है, एक तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। ओके, तो ये इसका सही जो आंसर होगा वो होगा रेडक्लिफ रेखा। लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये जो सीमा रेखा है ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये। तो देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, अध्यारोपित सीमा का। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है ये है अध्यारोपित सीमा। ओके, ये ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी रेखा है, तो ये है रेडक्लिफ रेखा। अब देखिए, यहाँ पे 3 रेखाओं के बारे में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये याद रखना होगा कि इन तीनों से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो हो गया रेडक्लिफ रेखा, किन किन देशों के बीच में है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। दूसरा है मैकमोहन रेखा। ओके, यहाँ से भी प्रश्न जो है वो बनता है, मैकमोहन रेखा जो है वो किसके किसके बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। ओके, अब एक और रेखा है जिसको बोला जाता है डुरंड रेखा। अब ये जो डुरंड रेखा है ये है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ओके, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, तो इन 3 रेखाओं को आप जरूर याद रखेंगे। अब देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो इसको मिटा देता हूं, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो भी प्रश्न सिलेक्ट किया गया है वो भारत से ही ज़्यादातर संबंधित है। भारत किसको टच करता है, कौन कौन से स्टेट है जो कौन कौन से देश को जो है वो टच करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ओके, तो देखिए, भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों से लगती है, तो आपको याद रखनी है। अब देखिए, उत्तर में, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में इधर जो है वो, अगर हम लोग ऐसे बात करें भारत का, अगर मैप हम लोग बनाए, नहीं बन पा रहा है, तो आपको बस इतना याद रखना है उत्तर पश्चिम में जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो टच करता है भारत को, जबकि उत्तर में जो है वो चीन। ओके, उत्तर में चीन जो है वो भारत से टच करता है और नेपाल। ओके, चीन, नेपाल और साथ ही साथ भूटान, 3 स्टेट जो है, 3 कंट्री जो है वो टच करते हैं। पूरब में, पूरब में कौन कौन से देश जो है वो भारत को टच करते हैं, तो पूरब, पूर्वी क्षेत्र में जो है वो म्यांमार और बांग्लादेश, ये 2 देश जो है वो टच करते हैं भारत को। दक्षिण में, दक्षिण एरिया जो है यहाँ पे जो है वो, यहाँ यहाँ पे है श्रीलंका, श्रीलंका। ओके, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, श्रीलंका, और दूसरा है मालदीव। ओके, तो 2 देश जो है वो दक्षिण में टच करते हैं भारत को। अब देखिए,
यहाँ पे यह पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है वो कौन सी जल संधि है। ओके, तो इसको बोलते हैं पाक स्टेट या पाक जल संधि। ओके, तो ये भी आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सी स्टेट है जो बांग्लादेश को टच नहीं करता है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है नागालैंड। अब देखिए, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं, 5 स्टेट जो है वो सीमा निर्धारित करते हैं। अब ये कौन कौन से स्टेट है? पहला है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसके बाद है असम, असम मैं अभी जस्ट जो है आपको मैप में भी दिखाने वाला हूँ, इसके बाद है मेघालय, इसके बाद जो है वो है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और इसके बाद है मिजोरम। ये जो 5 स्टेट है ये बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो है ये है वेस्ट बंगाल। अब इसके बाद जो है वो है आसाम। ये आसाम जो है, ये आप जो सीमा देख रहे हैं ये है आसाम का, तो आसाम भी टच करता है बांग्लादेश को। इसके बाद जो है ये है मेघालय, मेघालय ऐसे, तो मेघालय भी टच करता है बांग्लादेश को। इसके बाद यहाँ पे जो है ये है त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और इसके बाद यहाँ पे है मिजोरम। ओके, तो मिजोरम भी टच करता है बांग्लादेश को। तो 5 ऐसे स्टेट है जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। अब देखिए, चीन के साथ, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चीन के साथ, चाइना के साथ जो है वो कितने स्टेट सीमा बनाते हैं। तो चाइना के साथ भी 5 स्टेट जो है वो सीमा बनाते हैं। पहला है जम्मू कश्मीर, इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, इसके बाद जो है वो है उत्तराखंड, उत्तराखंड, इसके बाद सिक्किम, सिक्किम, ये जो स्टेट है इसको आपको याद रखना है, और इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। ये 5 ऐसे स्टेट है जो चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। अब आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट जो है वो सीमा बनाते हैं। तो 4 ऐसे स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। पहला हो गया जम्मू कश्मीर, ये तो सब लोग जानते हैं, यहाँ पे हमेशा जो है वो गोलीबारी होती रहती है पाकिस्तान की ओर से। इसके बाद है पंजाब, इसके बाद है राजस्थान, राजस्थान, और इसके बाद है गुजरात। ओके, तो ये 4 स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब आता है कि नेपाल के साथ कितने स्टेट है जो सीमा बनाते हैं। तो नेपाल के साथ जो है वो 5 स्टेट सीमा बनाते हैं, वो है उत्तराखंड, पहला है उत्तराखंड, इसके बाद है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार, इसके बाद है वेस्ट बंगाल, और इसके बाद है सिक्किम। ये 5 स्टेट हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें म्यांमार की, और देखिए यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है म्यांमार, ये सबसे ही प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। देखिए, म्यांमार से जो है वो 4 स्टेट सीमा बनाते हैं, वो है, एक है, पहला है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद है नागालैंड, नागालैंड, और इसके बाद है मणिपुर, मणिपुर भी म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, और इसके बाद मिजोरम। ओके, मिजोरम, ये 4 स्टेट है जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। अब आता है कि भूटान के साथ जो है वो कितने राज्यों की सीमा जो है वो लगती है भूटान के साथ। तो 4 स्टेट जो है वो टच करते हैं भूटान को, सिक्किम, सिक्किम, इसके बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसके बाद है आसाम, आसाम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये 4 ऐसे स्टेट है जो भूटान के साथ जो है वो सीमा बनाते हैं। तो ये सबके बारे में जो है वो आपको याद रखनी है, और जो मैं लिख रहा हूं आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इसको कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है वो
कितने राज्यों से कितने स्टेट से होकर के जो है ये गुजरती है। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 8 राज्यों से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है भारत से। ओके अब यहाँ पे ये आता है प्रश्न कि कौन कौन से ये स्टेट है, तो बहुत लोग जो है इसके लिए ट्रिक भी यूज करते हैं, मित्र पर गमछा झाड़ या इस टाइप से जो है वो ट्रिक लोग यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने मैप दिया है, आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं यही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और ये जो है वो 8 राज्यों से होकर के, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये है कौन कौन से स्टेट हैं, प्रश्न यहाँ से बनता है। देखिए इसका सही आंसर है गुजरात, इसके बाद जो है वो है राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद है छत्तीसगढ़ और झारखंड, झारखंड के रांची से होकर गुजरती है, इसके बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से भी होकर गुजरती है, और त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 स्टेट से होकर के जो है ये कर्क रेखा भारत से गुजरती है। अब यहाँ पे एक और भी प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा एक दूसरे को, मानक रेखा और कर्क रेखा, कई बार जो है यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि मानक रेखा और कर्क रेखा ये 2 रेखाएं जो है वो आपस में एक दूसरे को जो है वो कहाँ पे काटते हैं, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है वो मानक रेखा और कर्क रेखा जो है वो एक दूसरे को काटते हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, मतलब कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, मतलब कि सबसे लास्ट का पॉइंट दक्षिण में जो है वो भारत का कौन सा है। अब यहाँ पे 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो ये पूछा गया कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का सबसे सुदूरस्थ, अब यहाँ पे एक और पूछा जाता है कि जो स्थलीय भाग है भारत का उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, 2 तरह से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। अब देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे, और यहीं पे है ये आप जो देख रहे हैं ये है, यही है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट। ओके तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो हो गया वो हो गया इंदिरा पॉइंट। अब देखिए इस तरह से अगर प्रश्न पूछे कि भारत का जो स्थलीय भाग है आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं ये, ओके तो यहाँ पे जो है वो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो भारत का वो कौन सा होगा, होगा मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो है कन्याकुमारी। ओके आप याद रखेंगे कन्याकुमारी। अगर सबसे उत्तरी भाग पूछे तो वो है कश्मीर, कश्मीर। ओके पूरब में अगर बात की जाए तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश, मुख्य भूमि का अरुणाचल प्रदेश। अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में गुजरात। ओके तो ये जो है आपको याद रखनी है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद भारत में, भारत के तटरेखा की कुल लंबाई भी पूछा जाता है, ये जो है ये तटरेखा है भारत की, ये अगर टोटल तटरेखा की बात की जाए, ये जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो भी भारत के द्वीपीय एरिया है वो, और जो मुख्य जो भूमि है भारत का वो, दोनों मिलाकर के अगर तटरेखा की कुल लंबाई पूछा जाए तो वो है 7517। ओके 7517 किलोमीटर, इतना जो है वो टोटल इसकी लंबाई है भारत के तटरेखा की। ओके अब देखिए यहाँ पे जो ये इंदिरा पॉइंट है इसका नाम जो है वो पिगमेलियन पॉइंट भी है, ये भी आपको याद रखना है। ओके और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है, सबसे उत्तर नॉर्थ ईस्ट जो है वो है इंदिरा कॉल, तो ये भी आपको याद रखनी है इंदिरा कॉल। ओके भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वो है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती जो कि कच्छ जिला गुजरात में है, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो थोड़ा थोड़ा जो भी है उससे संबंधित वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। इसके बाद 5वां प्रश्न है, देखिए 5वें प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है असम, असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है,
क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश दो देशों के साथ जो है इसकी सीमा लगती है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, वो भूटान और नेपाल, भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है ऑप्शन सी, मिजोरम जो स्टेट है वो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है उत्तराखंड नेपाल तथा चीन के साथ लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड जो स्टेट है वो नेपाल और चीन के साथ जो है वो सीमा बनाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ए बी सी और डी, ये चारों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों नेपाल भूटान और चीन से मिलती है? कौन सा प्रदेश है, कौन सा स्टेट है जो तीन देशों के साथ जो है वो सीमा बनाता है? ये तीन देश हैं नेपाल भूटान और चीन। अब यहाँ पे मैप अगर आप देख रहे हैं तो मैप से आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा स्टेट है। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिक्किम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सिक्किम। और सिक्किम जो है ये आप मैप देख सकते हैं, ये सिक्किम का मैप है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं नेपाल कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है नेपाल का एरिया, जबकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है चाइना का एरिया। ओके, ये जो है वो चाइना का एरिया है, जबकि यहाँ जो है ये है भूटान। ओके, ये भूटान है। और अगर स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। ओके, ये जो है ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे है भूटान, और ये है चाइना का एरिया, और ये जो है ये है नेपाल। ओके, नेपाल। नेक्स्ट है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल से कौन कौन से राज्य जो है वो टच करते हैं? दो राज्यों का नाम जो है यहाँ पे दिया हुआ है, भारत के दो राज्यों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इसका सही आंसर है सिक्किम और बिहार। ओके, सिक्किम और बिहार जो है वो दोनों जो है वो टच करते हैं नेपाल को। अब कमेंट में आप हमें ये बताइए कि बिहार के कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल को टच करते हैं। मैं कई बार जो है वो आपको बता चुका हूँ, कमेंट में आप लोगों को बतानी है। ओके, नेक्स्ट है, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? दमन और दीव के बारे में यदि आप जानते हैं तो इसमें से चुनना है कि कौन सा कथन जो है वो दमन और दीव के बारे में सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे है दीव, ये जो आप देख रहे हैं ये दीव है और ये है दमन। ओके, चलिए एक एक करके पहले पढ़ता हूं। पहला है, स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश आधिपत्य में था। दमन और दीव जो है वो स्वतंत्रता के बाद भी जो है वो ब्रिटिश के आधिपत्य में था, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। इसके बाद है, दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है। दमन और दीव के बीच में खंभात की खाड़ी है, देखिए ये बिल्कुल ठीक है। दमन और दीव के बीच में कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी है। इसके बाद है, इसकी राजधानी दमन है, इसकी राजधानी जो है वो है दमन, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ऑप्शन डी है, इसे 1961 में भारत में सम्मिलित किया गया था। 1961 में अगर कहें तो दमन और दीव को जो है वो आजादी मिली थी, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि ए बी सी और डी जो है ये ठीक है, बाकी ऑप्शन ए जो है ये गलत है। ये जो है वो ब्रिटिश आधिपत्य में नहीं था, बल्कि दमन और दीव जो है वो पुर्तगालियों के अंदर था। ओके, पुर्तगालियों के अंदर था और पुर्तगालियों से इसे जो है वो 1961 में जो है वो छुटकारा मिला था, और 1961 में ही गोवा को भी छुटकारा मिला था। गोवा भी 1961 में ही पुर्तगालियों से आजाद हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद ये जो है वो पुर्तगालियों के अधीन था, न कि ब्रिटिश के अधीन था। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ये यहाँ पे बोल रहा है ये ब्रिटिश के अधीन था, नहीं, ये जो है ये पुर्तगालियों के अधीन था। ओके,
अब देखिए, दादर एवं नगर हवेली को जो है वो 1954 में जो है वो भारत में मिलाया गया, मतलब कि 1954 में जो है वो दादर और नगर हवेली को जो है वो आज़ादी मिली, और गोवा को अभी जस्ट मैंने बताया कि 1961 में जो है वो आज़ादी मिली थी। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की सात बहनों का भाग नहीं है, मतलब कि सेवन सिस्टर स्टेट जो है वो किसको कहा जाता है? अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन को आराम से जो है वो पकड़ सकते हैं। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है वो सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है। सेवन सिस्टर स्टेट जो है इसमें सात स्टेट हैं। कौन कौन से स्टेट हैं? देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, ओके। इसके बाद है असम, असम। इसके बाद मेघालय, मेघालय। इसके बाद है मणिपुर, मणिपुर है। और मिजोरम, मिजोरम। और इसके बाद नागालैंड, नागालैंड। और त्रिपुरा। ओके, तो ये जो है वो सात स्टेट जो है, इन सातों स्टेट को सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, या सेवन सिस्टर स्टेट जो है इन स्टेट को कहा जाता है। अब इसमें से चुनने के लिए ऐसे ही आता है कि कौन सा जो है वो सेवन सिस्टर का हिस्सा या भाग जो है वो नहीं है। ओके, अब देखिए, यहाँ पे एक तरह से और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्य जो है वो समुद्री तट रेखा से लगी हुई है। तो भारत के 9 ऐसे स्टेट हैं जो भारत के समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं, और 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। ओके, तो ये भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे एक और भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ी तट रेखा वाला जो राज्य है, या सबसे बड़ा तट रेखा जो है, सबसे बड़ी तट रेखा वो किस स्टेट की है? तो ये है गुजरात की। ओके, गुजरात। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे असम की बात की जा रही है, असम जो है वो कितने स्टेट के साथ जो है वो लगा हुआ है। देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सात। सात राज्यों के साथ जो है वो असम लगा हुआ है। अब ये कौन कौन से स्टेट हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ओके, देखिए, ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे मैप मैं लगाते गया हूँ हर प्रश्न में, जहाँ पे जरूरत है मैप की वहाँ पे मैं जो है वो मैप लगाते गया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है नागालैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मणिपुर, यहाँ पे है मिजोरम, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेघालय। तो ये सात स्टेट है जो असम को घेरे हुए हैं, मतलब कि असम के साथ सीमा बनाते हैं। ओके, तो ये भी आपको याद रखनी है। ओके, अब यहाँ पे एक और भी प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। तो ये है उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ भारत के 8 राज्यों की सीमा जो है वो लगती है। ओके, अब देखिए, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो इसके साथ लगा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ओके, तो इतने स्टेट जो है वो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखिए, सर्वाधिक सीमा जो है वो किस स्टेट के साथ यूपी बनाता है? तो सबसे ज्यादा ज्यादा जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश जो है वो बनाता है, और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसका नाम है सोनभद्र। ओके, सोनभद्र। सोनभद्र ऐसा जिला है जो देश का चार राज्यों के साथ जो है वो, सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है वो चार राज्यों के साथ जो है वो सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, चार स्टेट के साथ जो है ये सीमा बनाता है सोनभद्र। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? अभी जस्ट जो है वो मैं आपको बता ही रहा था, ये है गुजरात। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। गुजरात जो है वो गुजरात की जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है भारत में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, अरेबियन सी यहाँ पे है, गल्फ ऑफ खंभात, ये है खंभात की खाड़ी, आप ये देख सकते हो। ओके, ये है दमन। तो गुजरात इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? ये भी अभी जस्ट जो है वो मैं एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूं कि तटीय राज्यों की संख्या अगर पूछा जाए तो ये है 9 और केंद्र शासित प्रदेश है 4। ओके, यानी कि अगर टोटल कुल मिलाकर पूछे तो 13, अगर सिर्फ राज्यों का पूछे और अगर 9 से ज्यादा ऑप्शन नहीं है तो होगा सिर्फ उसका आंसर 9। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वो 9 स्टेट हैं जो समुद्र से सीमा जो है वो बनाते हैं। तो पहला है गुजरात। ओके, सबसे ज्यादा सबसे लंबा जो है वो तटीय रेखा इसी का है, इसी स्टेट का है। इसके बाद है महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र। इसके बाद है गोवा, गोवा, गोवा इस तरह से लिखा है, सॉरी थोड़ा सा गोवा। इसके बाद गोवा के बाद कर्नाटका, इसके बाद है केरल, केरला, इसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसके बाद है ओडिशा, ओडिशा, इसके बाद वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल। ये 9 स्टेट हैं जो समुद्र के साथ जो है वो सीमा बनाते हैं। अब यहाँ पे 4 ये भी पूछा जा सकता है कि 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन से हैं। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद है लक्षद्वीप, इसके बाद दमन, दमन अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, दमन और दीव, इसके बाद है पुद्दुचेरी। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा बनाते हैं समुद्र के साथ। ओके, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, मतलब कि नया चट्टान प्रणाली कौन सा है भारत में। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। ओके, आप जो है वो ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में। चलिए थोड़ा सा जो है वो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी जो है वो गोल है और पृथ्वी के चारों ओर जो है वो पानी ही पानी था। ओके, चारों ओर जो है वो पानी ही पानी था और ये जो बीच में है ये बीच में स्थलखंड था। ओके, अब ये जो स्थलखंड है इसके बीच में एक दरार आया, दरार आने के बाद इस दरार को जो है वो कहा गया 33 सागर, पानी जो है इसमें इंटर किया और इसको कहा गया 33 सागर। अब ये जो है पृथ्वी दो भागों में बट गया, ऊपर वाले भाग को अंकारा लैंड कहा गया, अंकारा लैंड, नीचे वाला जो भाग था इसको बोला गया गोंडवाना लैंड। ओके, गोंडवाना लैंड। ओके, तो भारत जो है वो इसी का भाग है गोंडवाना लैंड का। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो पानी वाला जो भाग था इसको कहा गया पैंथालासा। ओके, पैंथालासा इसको कहा जाता था, जबकि ये जो स्थल वाला भाग था इसको कहा जाता था पैंजिया। ओके, इसको पैंजिया कहा जाता था, जबकि पानी वाले भाग को पैंथालासा कहा जाता था, और पैंजिया ही दो भागों में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ओके, अब देखिए गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और अंकारा लैंड के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से क्षेत्र जो है वो आते हैं। अगर हम लोग गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, इसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका भी इसी में आता है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। आप मैप देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि नीचे वाला जो भाग है वो गोंडवाना लैंड है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है। इसके बाद साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ओके, इसके बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर। ओके, तो ये जो है वो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, जबकि अगर हम लोग बात करें अंगारा लैंड की, अंगारा लैंड, ओके देखिए सही लिखा नहीं पा रहा है, अंगारा लैंड की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर यूरोप, इसके बाद एशिया, एशिया के भी कुछ भाग आते हैं इसमें, पूरा का पूरा एशिया जो है वो नहीं आता है। इसके बाद है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इसके बाद ग्रीनलैंड। ओके, तो ये जो क्षेत्र है वो आता है अंगारा लैंड के अंतर्गत, तो ये भी आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। ओके,
भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं। अभी जस्ट जो है वो मैंने आपको बताया, भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो गोंडवानालैंड का भाग था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इसमें कोई कमी है, आपको लगता है कि इस टाइप से नहीं अलग टाइप से होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताया कीजिए। ओके, तभी मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट को कैसा जो है वो च्वाइस है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है ये पूछा जा रहा है। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है भौमकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है वो भारत का सबसे प्राचीन है। इसके बाद है हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित मतलब कि फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ए और बी सही है। इसके बाद है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये गलत है। इसके बाद ऑप्शन डी है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि कोयला जो है वो किस टाइप के चट्टान से प्राप्त होता है, तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से जो है वो कोयला प्राप्त किया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी जो है सिर्फ गलत है। ओके, बाकी सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी जो है इसका निर्माण जो है वो कैसे हुआ है, कब हुआ है ये पूछा जा रहा है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेनोजोइक में। सेनोजोइक काल में जो है वो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। सेनोजोइक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नवीन जीवन। ओके, नवीन जीवन, तो ये भी आपको याद रखनी है। अब देखिए सेनोजोइक को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से ये भाग हैं? पहला है तृतीयक, टर्शियरी, तृतीयक। इसके बाद दूसरा जो है वो है चतुर्थ। ओके, दूसरा है चतुर्थ। अब देखिए चतुर्थ को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्लिस्टोसिन। प्लिस्टोसिन को हिमयुग के पहले भी कहा जाता है, हिमयुग के पहले। ओके, इसके बाद दूसरा जो है वो है हिमयुग के बाद, हिमयुग के बाद। तो ये जो है हिमयुग के पहले हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है वो हुई है, हिमयुग के बाद जो है वो भारत के जो उत्तरी मैदान है और तटीय मैदान इसका निर्माण जो है वो हिमयुग के बाद हुआ है। ओके, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है लघु हिमालय स्थित है। जो लघु हिमालय है ये किसके किसके बीच में स्थित है ये पूछा जा रहा है। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय। शिवालिक और ग्रेट हिमालय, महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय स्थित है। थोड़ा सा जो है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लिया यहाँ पे है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। ओके, यहाँ पे है तिब्बत का पठार। अब यहाँ से जो है ऐसे ऐसे और यहाँ पे इस तरह से जो है वो एक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये है ट्रांस हिमालय, ये जो है ये है ट्रांस हिमालय। ओके, ट्रांस हिमालय। इसके बाद यहाँ पे है बृहद हिमालय, ये है बृहद हिमालय। ओके, इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है लघु हिमालय, लघु हिमालय ये थोड़ा सा इससे नीचे होता, थोड़ा मैप में सही नहीं बन पाया, फिगर सही नहीं बन पाया, ये है लघु हिमालय, ये है शिवालिक। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है शिवालिक, ये आप देख सकते हैं, और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है उत्तरी मैदान। ओके, उत्तरी मैदान। तो ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि लघु हिमालय जो है वो किसके बीच में स्थित है ये पूछा जा रहा था, ये लघु हिमालय। तो देखिए इसका सही जो आंसर था ये है शिवालिक और महान हिमालय। यहाँ पे ये जो है आप देख रहे हैं ये है शिवालिक और ये है महान हिमालय, या इसको बृहद हिमालय भी कहा जाता है। अब अगर पूछा जाए कि बृहद हिमालय किसके किसके बीच में है, तो यह है लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में।
ट्रांस हिमालय पूछा जाए कि किसके किसके बीच में है, तो तिब्बत का पठार और बृहद हिमालय के बीच में। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखनी है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं। ओके, नेक्स्ट है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित जो लावा सैल है उसका निर्माण हुआ है, कब हुआ है ये पूछा जा रहा है। देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में ही जो लावा से बने जो सैल है उसका निर्माण हुआ है, और ये सैल है दक्कन के पठार जो है वो इसी सैल से निर्मित है। ओके, तो इसका सही आंसर है क्रिटेशियस युग में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, यहां से इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत में पेट्रोलियम पदार्थ है वो किस चट्टानों में मिलते हैं या किस क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। तो ये टर्शियरी क्रम की औसादी चट्टानों में ये प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम। इसके बाद ये पूछा जाता है कोयले के बारे में, कोक के बारे में पूछा जाता है कि कोयला जो है वो किस क्रम की चट्टानों में मिलता है, तो ये है गोंडवाना लैंड। ओके, गोंडवाना लैंड, तो ये भी आपको याद रखनी है। इसके बाद है धात्विक जो खनिज हैं। ओके, धात्विक जो खनिज हैं वो जो है वो किस में मिलते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ओके, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है वो धातु खनिज पाए जाते हैं। और अभी जो देश का जो वर्तमान स्थलाकृति है वो आपको याद रखनी है, ये प्लिस्टोसीन युग में बना हुआ है। ऑप्शन बी इसका जो है दिया हुआ है, प्लिस्टोसीन युग। तो ये जो है प्लिस्टोसीन युग में देश का जो वर्तमान स्थलाकृति है वो बना हुआ है, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम जो है वो प्रारंभ हुआ। अभी जस्ट जो है वो मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी जो है वो दो भागों में बटा, गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड भी कई भागों में बटा और अंकारा लैंड भी कई भागों में जो है वो बट गया। तो अब लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये जो गोंडवाना लैंड है वो इसके टूटने का जो क्रम है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका सही जो आंसर है वो है जुरैसिक युग में। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, जुरैसिक युग में जो है वो गोंडवाना लैंड का के टूटने का क्रम जो है वो प्रारंभ हुआ। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत कोयले उत्पन्न करने वाला भौमकीय समूह है। देखिए, भारत में जो है वो किस क्रम कौन से चट्टानों में जो है वो कोयला मिलता है ये पूछा जा रहा है। देखिए, ये है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है वो कोयला जो है वो भारत में मिलता है, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोंडवाना। ओके, तो ये था हमारा 20 प्रश्न आज का आप लोगों के लिए। तो वीडियो कैसा लगा वो आप लोग जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।